हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रोमैक्स इन वन बी के बारे में, जो कि अभी ही लॉन्च हुआ है। और साथ में हम पोको सी थ्री के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। माइक्रोमैक्स इन वन बी की बात करते हैं, जो कि आपको 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल के साथ आपको 6,999 का देखने को मिलता है। वहीं पोको सी थ्री की बात करते हैं, जो कि आपको 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल के साथ वेरियंट के साथ में आपको 7,499 का देखने को मिलता है। तो हम इन दोनों का कंपेरिजन करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। सबसे पहले हम इन कलर वेरियंट की बात कर लेते हैं, जो कि आपको माइक्रोमैक्स इन भी आपको ब्लू कलर, ग्रीन कलर और पर्पल कलर का देखने को मिलता है। वहीं हम पोको सी थ्री की बात करते हैं, जो कि आपको ब्लू कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर में देखने को मिल जाते हैं। मोटाई का 8.9 mm का देखने को मिलता है और 188 ग्राम का देखने को मिलता है। वहीं पोको सी थ्री 9 mm का मिलता है और आपको 194 ग्राम का देखने को मिलता है। इन दोनों में ही आपको 5000 की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें साथ में आपको 10 वाट का चार्जिंग भी देखने को मिलता है। वहीं हम इनकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, जो कि आपको माइक्रोमैक्स इन वन बी में देखते हैं तो आपको 6.52 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको इन दोनों की डिस्प्ले भी दोनों सेम जैसी देखने को मिल जाती है। इन दोनों में आपको HD+ देखने को मिल जाता है। और इनकी पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करते हैं, दोनों में आपको 16:720 का पिक्सल देखने को मिलता है। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आपको पोको C3 में पेंडा ग्लास देखने को मिलता है। और इन दोनों में बॉडी टाइप की बात करते हैं तो दोनों में आपको पीछे के साथ में पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल देखने को मिल जाता है दोनों में। और दोनों में आपको ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है फ्रंट में। और दोनों की बॉडी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, आपको बड़े स्क्रीन में दिखा देते हैं, आप देख सकते हो बहुत अच्छा। इनमें डिजाइन भी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। और हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो इन दोनों में आपको 12 nm का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है। और दोनों मोबाइल ही आपको एंड्रॉइड 10 पर बेस मिलने वाले हैं। और इनमें एड की बात करते हैं, इसमें आपको पोको में आपको म्यू का देखने को मिल जाता है, जिसमें भरपूर एड देखने को मिलेंगे। और एंड्रॉइड और इसमें आपको माइक्रोमैक्स इन बी में आपको कोई एड देखने को नहीं मिलेगा इसमें कोई भी। और इन दोनों के कैमरे परफॉर्मेंस की बात करें, जिसमें आपको माइक्रोमैक्स इन वन बी में आपको 13 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर का कैमरा देखने को मिल जाता है। पोको सी थ्री में आपको 13 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इन दोनों में भी बहुत अच्छे कैमरे आपको देखने को मिल रहे हैं। और फ्रंट की बात करते हैं, जिसमें आपको माइक्रोमैक्स इन वन बी में आपको 8 एम्पियर का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है और पोको सी थ्री में आपको 5 एम्पियर का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। और इसमें सिम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, दोनों में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डबल सिम और एसडी कार्ड लगा सकते हो। और इसमें आपको माइक्रोमैक्स इन वन बी में आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, इसमें पोको सी थ्री में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। और ये आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा दोनों में। और इन दोनों की प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको माइक्रोमैक्स इन वन बी आपको 2 GB रैम 32 GB वेरियंट के साथ में आपको 6,999 का देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा वेरियंट 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल के साथ 7,999 का देखने को मिलेगा। वहीं पोको सी थ्री की बात करते हैं तो आपको 3 GB 32 GB स्टोरेज के साथ 499 का देखने को मिलेगा, और 4 GB 64 GB वेरियंट के साथ आपको 8,999 का देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के प्राइस में भी कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि पोको सी थ्री आपको चाइना ब्रांड का देखने को मिलता है और माइक्रोमैक्स इन आपको इंडिया का ब्रांड देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हमारी कुछ ओपिनियन भी आप देख सकते हो, जो कि हम आपको दिखा देते हैं, जो कि आप देख सकते हो उसमें। और आप इन दोनों के मोबाइल परचेस कर सकते हो। यदि आपको परचेस करना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।